अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्लास टू, माय नेम इज़ सैमा। नाउ गेट रेडी फॉर चैप्टर 4 है और आपका लेक्चर 2 है जिसका, ठीक है। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ओपन कर लीजिए बुक, पेज नंबर है आपका 97, ठीक है। वर्कशीट है आपकी 3 और क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पिक्चर, मेक अ फैमिली ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करना है और डिवीजन एक साथ करना है। देखिए, एक बास्केट में कितनी कैट्स बैठी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, और कितनी बास्केट्स हैं, 3। अब 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 5 15। अगर हम इस तरह करें, 5 3 है, यानी 5 बर्ड्स हैं और 3 बास्केट्स हैं, तो 5 3 15, वही आंसर आएगा। लेकिन डिवाइड में हम क्या करते हैं कि होल पहले लिखते हैं, यानी 15 हमने पहले लिखा, डिवाइड का साइन है, फिर हमने 3 से किया, तो 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 5 15, ठीक है। फिर 5 लिखा, 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 5 3 15, यानी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे और डिवीजन भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 100 और उसमें राइट द रिलेटेड डिवीजन फैक्ट्स। अब मल्टीप्लीकेशन का भी फैक्ट बताना है और डिवीजन का भी। अब देखिए, पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे देखिए कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 लिख दिया। और एक बॉक्स में कितने सर्कल्स बने हुए, 1 2, तो हमने 2 लिख दिया। तो 2 7 क्या होता है, 14, और 2 7 भी 14 होता है, 7 2 भी 14 होता है। अब डिवीजन में हम क्या करेंगे, पहले हम आंसर लिखेंगे, 14, 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 2 7, तो 7 लिख दिया। फिर 7 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 2 पे, 7 2 14, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, पेज नंबर है 101, ठीक है। इसमें व्हाट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कल टू शो इक्वल ग्रुप एंड सॉल्व। सर्कल करना है कि कितने ग्रुप इसमें बनेंगे और फिर सॉल्व करना है। ऑन पुट्स 14 कुकीज इक्वली ऑन 2 प्लेट्स। एक और बच्चा है, उसने 14 जो कुकीज़ हैं वो इक्वल 2 प्लेट्स में रखी हैं। हाउ मैनी कुकीज़ आर देयर ऑन ईच प्लेट, एक प्लेट में कितनी कुकीज़ हैं, उन्होंने ओवरऑल बता दी। तो देखिए, पहले हमने लिखा 14, फिर डिवाइड कितनी प्लेट्स में, 2 लिखा। अब 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 2 7 14, तो 7 लिखेंगे। तो देयर आर 7 कुकीज़ ऑन ईच प्लेट, एक प्लेट में हम 7 कुकीज़ जो है वो रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपकी है होमवर्क स्लाइड, होमवर्क में है आपका पेज नंबर 96 है, फिर 2 पेज नंबर 97 का, क्वेश्चन 1 का बी टू एफ करना है, यानी बी से एफ तक करना है। फिर 2 पेज नंबर 100 का, क्वेश्चन 2 का बी सी डी पार्ट करना है। फिर 2 पेज नंबर 101 का, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट करना है। और लास्ट में 2 पेज नंबर 101 एंड 103 इन 2 है वो। आई होप स्टूडेंट्स, आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो मेरी बार बार वीडियोज़ देखिएगा, तमाम पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ स्टे होम।